जियो हेडलाइंस। कश्मीर में पोलिंग के दिन भी खून की होली, 6 नौजवान हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। हलाक होने वालों में चारशरी, बड़गाम के 3, नारबल, कावूसा और चाडोर का एक एक नौजवान शामिल। मुजाहरीन और पुलिस के माबेन झड़पें, सोईबुक और हमामा में कई लोग जख्मी, 20 से ज्यादा पलट के शिकार। श्रीनगर पार्लियामानी हल्के इंतखाब में 6.5% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। रियासती वजीर आला महबूब मुफ्ती ने हलाकतों पर अफसोस जाहिर किया, कहा कि सिर्फ लोग इस खूनी खेल को रोक सकते हैं। मागाम बड़गाम में अफसर समेत 20 एहलकार जख्मी, लोगों ने जमकर पथराव किया। चौदह ईवीएम मशीनों को आवाम ने तोड़फोड़ की, 17 पोलिंग स्टेशन बंद किए गए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान। फोर्सेस ने हुर्रियत नुमाइंदे अयाज अकबर के घर पर हल्ला बोल दिया, घर की तोड़फोड़ की और खूब मारपीट भी की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तहान 12 अप्रैल तक मुलतवी किए गए। मौजूदा सरकार पोलिंग में गड़बड़ के खौहा, फारूक अब्दुल्ला का मीडिया को बयान। कोहामा बीरवा में लोगों का पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाज, मुजाहरीन ने कहा कि शहीदों के खून को जाया नहीं करने देंगे। दोनीवारी बड़गाम में मुजाहरीन ने पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ की, गाड़ी को भी आग लगाई, पोलिंग अमला नजदीकी सीआरपीएफ में राह गुजीर। वादी में पोलिंग के पेश नज़र 3 अजला में इंटरनेट बंद किया गया था, लोग परेशान। और हुर्रियत की तरफ से कल से 2 दिन की हड़ताल कश्मीर में रहेगी।